हरियाणा में जैसे चुनाव प्रचार बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, अब जो है जैसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के दौरे कब तक होने वाले, कितना प्रभाव रहेगा? 5 और 10 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास होने वाला है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी प्रवास निश्चित हो गया है। तो क्या लगता है अब जैसे देखिए जिस तरीके से जनता का मन तैयार हुआ है और जिस ढंग से लोगों ने विचारना शुरू किया है कि वास्तव में देश के अंदर किस प्रकार की सरकार होनी चाहिए और कैसा नेतृत्व होना चाहिए, उसके आधार पर लोगों को ये लग रहा है कि मोदी जी ने जो 5 वर्ष तक सरकार चलाई है बड़ी पारदर्शितापूर्ण चलाई है, सुशासन के साथ चलाई है, सबका साथ सबका विकास के आधार पर चलाई है और जिस ढंग से दुनिया के अंदर भी उन्होंने अपने नेतृत्व को ऐसा स्वरूप प्रदान किया जिस कारण दुनिया वालों को लगे कि सही माने में हिंदुस्तान के एवं से 36 करोड़ लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाले ये प्रधानमंत्री हैं, ऐरे गहरे प्रधानमंत्री हैं, ये स्वरूप निर्माण किया है, ये जनता महसूस कर रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हरियाणा की जनता तो बड़ी जागरूक है, बड़ी प्रखर राष्ट्रभक्त है। हरियाणा की जनता को तो लगता है कि ऐसा प्रखर राष्ट्रवादी नेतृत्व अभी आज तक हमें प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए इस आधार पर मुझे लगता है कि हरियाणा की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कम से कम मुझे कोई संदेह नहीं दिखता। जिस तरह से यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उतार दिया है और उधर से जे पार्टी ने आपसे भी गठबंधन किया हुआ है नहीं। और उनका जो है शॉर्ट में आप कहते हैं उसे, अरे अरे हमसे माने आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन है और जननायक जनता पार्टी ने दिग्विजय सिंह चौटाला को इधर पे उतार दिया, तो बड़ी हॉट सीट बनी हुई है सोनीपत की। देखिए जनता ने सबके शासक को देखा है, जनता देख रही परिवारवाद दोनों पार्टियों में हावी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे जे पूरी तरह से हावी है। परिवारवाद जब हावी होता है तो टूटन होती है, टूटन हुई इनेलो में, टूटन हुई हमारे समाजवादी पार्टी में, तो परिवारवाद हमेशा टूटन पैदा करता है, वो टूटन जनता के बीच में ना होने पाए इसलिए कम से कम ऐसी पार्टी को जनता नहीं चाहेगी। जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है जो देश को आगे बढ़ा सकती है उसी को जनता आज आगे बढ़ाने की कोशिश करे, इसलिए पूर्ण विश्वास है कि सब कोई असर नहीं पड़ेगा, जनता नकारेगी। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें अब की बार घटेंगी, क्या? मैं ऐसा नहीं मानता, मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के गाँव में, मैं तो गाँव में बहुत घुमाऊँ, गाँव में भी आम जनता यही कहती है, चाहे वो समाजवादी के मतदाता होंगे चाहे बहुजन समाज पार्टी के मतदाता होंगे, वो भी कहते हैं भैया अगर प्रदेश का चुनाव होता और मुख्यमंत्री बनने की बात होती तब तो ठीक था, ये लोग प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकते, इसलिए उनको देने से क्या मतलब है। इसे वो भी तय कर चुके हैं कि हमें अपना मत मोदी जी को देना है कमल के निशान पर, और इसे मुझे पूरा विश्वास है कि हम पूरा उत्तर प्रदेश में सफल होंगे।